अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि न्यू न्यूज़ पे मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे WhatsApp पे भी लोग रब्ता कर रहे थे, Facebook पे भी रब्ता कर रहे थे कि क्या स्टोरी थी, बिहाइंड द सीन क्या सीन था, आपको किसी ने हर्ट तो नहीं किया, जिस तरह से वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग आप पर तशद्दुद भी करने की कोशिश कर रहे थे और वो एक जत्था था जो आपके खिलाफ हुआ हुआ था। तो बहुत से लोग खैरियत जानने के लिए भी मैसेज कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी। तो नाज़रीन, स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि जिस दिन ये वीडियो किया, मैं और मेरा कैमरामैन लिबर्टी जाते हैं अपने रोज़ के मामूल के मुताबिक पॉलिटिकल वीडियो पे पब्लिक ओपिनियन करना था। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे दो ग्रुप्स खड़े हुए थे और दोनों जो मुझे ना कुछ सीरियस लगे, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ मामला ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं इमरान, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक ग्रुप के साथ मिलवाया और उन्होंने कहा कि यार ये अली हमजा हैं और ये इस तरह का कंटेंट करते भी हैं, आजकल न्यू न्यूज़ पर भी हैं, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो जो ग्रुप था उसने मेरे साथ बातचीत की कि यार ये फलां यूट्यूबर हैं, ये एंटी पाकिस्तानी और एंटी इस्लामिक जो है ना कंटेंट करती हैं और बड़े अरसे से कर रही हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया है जिसमें ये ख्वातीन को इकट्ठा करके उनसे पूछती हैं कि क्या पाकिस्तानी लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर सकती है और उससे शादी करके इंडिया शिफ्ट हो सकती है और अपना मजहब इस्लाम छोड़ के हिंदूइज्म को कबूल कर सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप सबसे पहले कोई एविडेंस दिखाएं। तो उन्होंने मुझे सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई, उसका थंबनेल भी यही था कि क्या पाकिस्तानी लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया में शिफ्ट हो सकती है और क्या वो अपना मजहब इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म को कबूल कर सकती है। तो मुझे यार ये बड़ा एक अजीबो गरीब लगा कि क्या आप सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि आप अपना मुल्क का नाम खराब करें, अपना मुल्क बेचें, अपनी इज्जत बेचें और अपना जो क्या कहते हैं मजहब को बदनाम करें। तो मेरे लिए ये अपना भी अपने तौर पर भी मुझे ये बात बहुत अजीब लगी और बुरी लगी। आपको एक बात से आगाह करता चलूं कि इमरान मेरे पास इन लोगों को लेकर क्यों आए। 3 से 4 माह पहले मैं इन्हीं यूट्यूबर्स पर एक प्रोग्राम कर चुका था जो एंटी पाकिस्तानी काम करते थे और सिर्फ इंडियन कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए और इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कंटेंट करते थे। मैंने इन पर एक प्रोग्राम किया लेकिन वहां पे मेरे बहुत से दोस्त अहबाब मौजूद थे, उनके प्रेशराइज करने पर मुझे वो जो प्रोग्राम था डिलीट करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि यार ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, इनका रोजगार लगा हुआ और इस तरह की बातें करके उन्होंने बहरहाल मेरे से ज़बरदस्ती वो प्रोग्राम डिलीट करा दिया। लेकिन अल्लाह पाक ने एक बेहतर मेरे लिए प्लान रखा हुआ था कि मुझे एक बड़े चैनल से एक बड़ा प्रोग्राम मिला और आपने वो देखा कि जब मुझे उस ग्रुप ने कहा कि आप जाके इनसे सिर्फ ये बात करें कि आपने वो वीडियो की है जिससे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, आप वो डिलीट कर दें, क्योंकि बहुत से लोग इनको कह रहे थे कि आप डिलीट कर दें, और उस वीडियो को लगे तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके थे और तकरीबन 1 मिलियन के करीब व्यूज भी थे। मैं उनके पास गया और बड़े मोदबाना तरीके से मैंने उनके आगे माइक किया, सलाम किया और उनसे पूछना चाहा कि रिबाहा ये आप क्या कर रही हैं, ये जो लोग बात कर रहे हैं इससे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये भी आपको देखते हैं, इनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं कि आप ख़वातीन को इकट्ठा करके पूछ रही हैं कि आप हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहेंगी, एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदूइज्म को कबूल करना चाहेंगी, अपना मजहब इस्लाम छोड़ना चाहेंगी। तो मैंने कहा यार इनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। उन्होंने बात सुनने की बजाय वहां से दौड़ लगाना शुरू कर दी और उनके साथ एक ग्रुप था, एक गैंग था जिसने मुझ पर तशद्दुद करने की कोशिश की। लेकिन क्या कहते हैं, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे, बड़े दिलेर आदमी थे और मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे जिन्होंने कंट्रोल किया और हमने ये वीडियो की। आपने देखा कि वीडियो का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन है उससे आगाह करता हूँ कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये लोगों को फंडिंग हो रही है, इन लोगों को फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग करते ऐसे इसलिए हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 से 25 करोड़ होगी, इंडिया की कुल आबादी 125 से 30 करोड़ आवाम है। तो ये लोग बजाय कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ ऑडियंस है इनको छोड़ के इंडिया की 125 से 30 करोड़ ऑडियंस को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ इसलिए काम करते हैं। आप ये सोचें कि एक इंडियन, एक हिंदू जब ये देखेगा कि यार ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है और इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है तो उसको कितना अच्छा लगेगा। ये इसी तरह से है कि जब एक इंडियन बाबर आजम के हक में कोई अच्छी बात करे या बाबर आजम की तारीफ करे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, या फवाद खान के बारे में कोई अच्छी बात करे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये फलां इंडियन ने पाकिस्तान के हक में बड़ी अच्छी बात की। तो ये एक साइकी के साथ खेल रहे होते हैं, एक इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं जो कि वॉल्यूम में भी बड़ी है, और जब उसको ये पता लगता है कि एक फलां पाकिस्तानी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट बात कर रहा है और इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहा है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। मुझे ये वीडियो करते हुए दुख भी हुआ और अपने आप पे फख्र भी हुआ। फख्र इस बात पे हुआ कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना ये वीडियो करने के लिए
और दुख इस बात का हो रहा था कि हमारे जो फौजी हैं वो रोज हजारों की तादाद में बॉर्डर्स पे लड़ते हुए मर जाते हैं कि यार हम लोग जो है ना अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकें और ये लोग यहाँ पर चंद डॉलर्स के लिए अपने मुल्क को बेचते हैं, अपने मजहब को बदनाम करते हैं। क्या हम लोगों ने 74 साल पहले इसलिए इतनी कुर्बानियां दे के ये मुल्क हासिल किया था कि हम चंद डॉलर्स के लिए इंडिया को दिखाएं कि हम लोग पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं, हम जो है अपने मजहब से तंग आए हुए हैं, हमें चंद डॉलर्स चाहिए और हम डॉलर्स के लिए कुछ भी कर देंगे। और आपने देखा ये कर रहे हैं। मैं अगर आपको इनकी वीडियो के चंद टाइटल बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे इनकी वीडियो के। कल जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने टाइटल देखे कि एक वीडियो का टाइटल ये था कि पाकिस्तान इंडिया को धमकी क्यों देता है जबकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के पास फलां हथियार है। मुझे बींगा पाकिस्तानी मुझे इतना दुख हुआ कि यार क्या ये जो चंद डॉलर्स हैं या पैसे हैं ये इतने अहमियत के हामिल हैं। यहां पर एक दो और लोग हैं नीचे उनके भी कमेंट यानी कि लोग कह रहे थे कि यार उनको भी आप पकड़ें। ये लोग इतना जो है अजीबो गरीब कंटेंट कर रहे हैं कि बींगा पाकिस्तानी आपको देखते हुए शर्म आती है। और मुझे डर लगता है कि एक वक्त आएगा कि ये लोग जो इंडियन कंटेंट कर रहे हैं ये अब जब अवाम में निकलेंगे इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। लोग कानून हाथ में ले लेंगे क्योंकि भाई इदारे काम नहीं कर रहे। मुझे हैरानगी है कि जो साइबर क्राइम है वो क्यों इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ता जो पाकिस्तानी की बदनामी का बायस बन रहे हैं और आपके मजहब की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये कमेंट में पिन कर देते हैं अपना कमेंट कि पाकिस्तान में इस तरह की वीडियो करना बड़ा मुश्किल काम है, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, तो हमने ये कर दिया। तो आपकी मेहरबानी है, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें और इसको ज्यादा ज्यादा जो है ना व्यूज भी दें और लाइक भी करें। और नीचे आप अगर इंडियंस के कमेंट पढ़े ना कि भाई तुमने कमाल कर दिया, तुमने पाकिस्तान का जो है ना भयानक चेहरा वो दिखा दिया, तुमने भाई फलाना कर दिया, और उन्हें नहीं पता कि ये बंदा सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो मेरी वीडियो थी ये अब फर्क डालेगी, लोग इनको अच्छे से मिलेंगे। ये जहां भी जाके जब किसी पाकिस्तानी को खड़ा करके कहेंगे भाई इंडिया के हक में ये कर दो, इंडिया का डिफेंस बजट इधर चल गया, इंडिया ने फलां चीज बना ली, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया फलां जगह पहुंच गया, तो वो इसको अच्छा एक जवाब देंगे। तो नाज़रीन ये बहरहाल कहानी थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने कैमरामैन की जो कि राना वकार साहब हैं, इन्होंने बड़ा दिलेरी का मुजाहरा किया, और जो मेरे दोस्त हैं इमरान भाई जो हर वक्त मेरे साथ हैं, वीडियो में देख रहे होंगे कि वो किस तरह से मेरा साथ दे रहे थे और मुझे प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने कमेंट्स किए, मेरी खैरियत दरियाफ्त की और मुझे वीडियो के नीचे दुआएं दी और प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका फर्दन नाम लेके शुक्रिया अदा करता लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे इतना अच्छा कंटेंट करवाया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।